वो कोई एनिमल का रणबीर कपूर या कबीर सिंह का शाहिद कपूर नहीं, वो सब मूवीज में है अल्फा मेल, ये रियल अल्फा मेल है। इसको गुस्सा दिला दोगे यार करियर खा जाएगा आपका। काटे नहीं कटते लम्हे इंतजार के, एक नजरे जमा के बैठे हैं सलमान भाई की फिल्मों पर। अरे यार सलमान भाई देखो यार बहुत हो गया यार, दो महीने से ये चुटपुटिये लोग जो है ना बहुत उछल रहे हैं, बहुत कूद रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं। अब वक्त आ गया यार जबरदस्त धमाका करने का यार, प्लीज कम से कम अब दो फिल्म ऐसी मांगती है ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दो, ताकि जो स्टॉक दिसंबर में जो भी पूरा खत्म हो चुका था बर्नॉल का, वो जनवरी में फिर से जो इस नया स्टॉक आया वो भी खत्म हो जाए। इस तरीके से दो धमाका करना ही पड़ेगा आपको 100%, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप वापस आओगे ना तो वो सुनामी आएगी, वो तहलका होगा जिससे सारे हेटर्सों की फट जाएगी 100%। मुझे पता है सलमान भाई आप जो करते हो वो ट्रेंड हो जाता है 100%। जब आपने फर्स्ट चांस मैंने प्यार किया बनाई रोमांटिक हीरो बन के आए तो सारे एक्टर लग गए उसी के पीछे, रोमांस रोमांस रोमांस, सबको देखो रोमांटिक बना रहा है, सब रोमांटिक हो रहा है, सब रोमांटिक हो रहा है। कहां डाकू गुंडे फिल्म बंद हो गई, रोमांस में सब घुस गए। फिर आपने एक्शन चालू किया तो सब पीछे हो गए, एक्शन आ गया, एक्शन आ गया, एक्शन आ गया। फिर आप बीच में कॉमेडी करना स्टार्ट की, लोग पीछे आ गए, कॉमेडी करनी है, कॉमेडी करनी है, कॉमेडी करनी है। फिर आप वांटेड लेके आगे एक्शन का दौर लेके आए, फिर लोग एक्शन पीछे आ गए, एक्शन करना है, एक्शन करना है। मुझे पता है भाई, मुझे पता है कि आप ट्रेंडिंग स्टार है, आपके पीछे बॉलीवुड है, आप जहां खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है। एक्चुअली डायलॉग तो सलमान भाई के ऊपर फिट होती है कि सलमान जहां से खड़े होते हैं वहां से लाइन शुरू होती है। जिसके सामने डर भी भाग जाए सलमान भाई वो आप हैं। मुझे पता है जहां हेटर्सों की भीड़ लगी रहे उस पे सिर्फ एक नाम गूंज उठे सलमान, सारे हेटर्स भाग जाएं, वो कोई और नहीं वो सलमान खान है। जहां पे सलमान खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पे आ जाएं और थिएटर भी पनाह मांगे तो वो कोई और नहीं, वो औरा सिर्फ सलमान भाई आपका है। मुझे पता है सलमान भाई आपका क्या स्टारडम है, लेकिन इस टाइम जो हो सलमान भाई सीरियसली बोल रहा हूं कम से कम दो फिल्मों का अनाउंसमेंट फेंक के मारो इन नल्लों के ऊपर, ताकि ये नल्ले जो है ना लॉलीपॉप जो चूसने वाले हैं, जो अपने आप को वेल एजुकेटेड मानते हैं और गोबर लिखते हैं, एक्चुअली दो चार वर्ड ये जानकर ये समझते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे, बहुत टैलेंटेड, बहुत नॉलेजेबल लोग हैं, एक्चुअली ये रियलिटी के गधे इंसान है। क्योंकि बाप को भूल गए बॉलीवुड के, बिना उनके बॉलीवुड है ही नहीं, रियलिटी है, दुनिया जानती है। फिल्में आएंगी चलेंगी फ्लॉप होंगी, लेकिन वो स्टार तब भी तन के चल रहा था, आज भी तन के चल रहा है। ये स्वैग अपने सलमान खान का यार, ऐसा स्वैग किसी बॉलीवुड का नहीं है। तुम लाख ब्लॉकबस्टर फिल्म दे दो कुछ नहीं कर सकते भाई, सलमान सलमान है। तो सलमान भाई दो फिल्में तो चाहिए इस वक्त, मुंह में मारो रैपटा फेंक के और दो अनाउंसमेंट कर दो, या दाबुल की करो या फिर किसी फिल्म की करो, किक टू की करो, किसी की भी करो, करो जरूर 100%। और संदीप एंग्या वाली जो फिल्म हो रही है ना उसके बारे में तो वो बहुत लोगों की चर्चाएं चल रही है, उसके ऊपर बहुत जल्द प्रॉपर वीडियो आएगी 100%। ठीक है, आप क्या सोचते हो इस वीडियो से मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो अच्छी लगी तो इससे जबरदस्त वीडियो आएगी, थोड़ा भी मैं जल्दी हूं। ठीक है, वीडियो को लाइक